हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हेल्दी एंड टेस्टी चिवड़ा की रेसिपी, जिसे पोहा भी कहते हैं। इसे मैंने बहुत ही कम तेल में बनाकर तैयार किया है। इस दिवाली आप इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार हो जाती है। चलिए कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने मोटे तले वाली एक कढ़ाई ली है और गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। अब इसमें डाल दिया मैंने 2 टेबल स्पून तेल और ये अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, इसे मैंने अभी ददरा सा कूट लिया था, और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है। अब ये गर्म तेल में ही इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। अब इसमें डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे अब डालेंगे इसमें चूड़ा, ये 1/2 kg चूड़ा है और मैंने इसे अच्छे से छान लिया है। अब मैं यहाँ आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, चूड़ा पतले वाली चूड़े नहीं है, थोड़े मोटे वाली है और इससे बहुत ही टेस्टी बनती है चूड़ा। और यहाँ पे अब क्या करेंगे कि मीडियम लो फ्लेम पर इसे मिक्स करेंगे और लगातार चलाते हुए इसे रोस्ट कर लेंगे। इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं आप रोस्ट कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि चूड़ा नीचे से जल जाएगा और अच्छी नहीं बनेगी। अब यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स भी हो गया है और रोस्ट भी हो गया, आप देख सकते हैं। अब इस तरह से हाथों में लेके थोड़ा सा चेक कर लें, अगर ये चूर हो रहा है तो समझिए कि अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। फिर से मैंने उसी कढ़ाई को पोंछ के इसमें डाला है 1 टेबल स्पून तेल और इसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। और ये अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो अब इसमें डाल देंगे 200 ग्राम मूँगफली, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है क्योंकि इसका कलर डार्क नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा ये कलर चेंज हो। बस इसे निकाल लेंगे इस तरह से और जो हमने बाउल में चूड़ा निकाला था इसके ऊपर डाल देंगे। और इसी तरह सारे बादाम को मैंने फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे फिर से मैंने उसी कढ़ाई में डाला है 1 टेबल स्पून तेल और इसे भी अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने किशमिश, काजू, बादाम और नारियल को पीसेस में कट कर लिया है और थोड़ा सा कड़ी पत्ता इसमें डालेंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने इसे हल्का सा फ्राई किया है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बस इतना ही हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, इससे क्या होगा ड्राई फ्रूट जल जाएगा। और इसे भी निकाल लेंगे और निकालने के बाद अब इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 टेबल स्पून अमचूर का पाउडर और 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कुछ मसाला मिक्स करना चाहें तो आप उसे भी मिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में, खाने में बहुत ही टेस्टी है। इस तरह से एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।